नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरह से हमारे पासपोर्ट की स्टैंपिंग को प्रोसेस करा सकते हैं। दरअसल इसकी प्रोसेस की शुरुआत होती है जब आपकी एप्लीकेशन कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा अप्रूव कर दी जाती है, कनाडा एम्बेसी के द्वारा अप्रूव कर दी जाती है, और फिर आपको वो लोग इशू करते हैं पासपोर्ट सबमिशन लेटर। पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट लेटर जब आपके पास आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, VFS ग्लोबल की साइट पर जाके सबसे पहले एक शेड्यूल, एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, या फिर VFS ग्लोबल को रिक्वेस्ट देनी होती है कि आप मेरा पासपोर्ट मेरे घर से ले जाएं और स्टैंपिंग को प्रोसेस करवाएं। इसका एक पूरा प्रोसीजर किस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मोड के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करा सकते हैं, अपनी स्टैंपिंग वाले प्रोसीजर को कंप्लीट करा सकते हैं, उसका एक डिटेल्ड आपको नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई पार्ट रिपीटेड लग रहा हो, कोई नॉलेज आपको ऑलरेडी है और आप उसे स्किप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, आप वहां से उस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्विच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और बताता हूँ आपको पूरा प्रोसेस। दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका दोबारा स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट सबमिशन का क्या प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले इस स्टेज के बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, विजिटर वीज़ा या फिर PR के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद में हमारे पास में एक ऐसा लेटर आता है जिसे बोलते हैं पासपोर्ट सबमिशन लेटर। पासपोर्ट सबमिशन लेटर जब आपके पास आ जाता है तो उसके बाद में आपको अपना पासपोर्ट नियर बाई कैनेडियन एम्बेसी में भेजना होता है, जहाँ पर वो आपके पासपोर्ट पर स्टैंपिंग करते हैं और आपका वीज़ा स्टैंप करके स्टिकर लगा देते हैं। इस प्रोसेस को पासपोर्ट सबमिशन फॉर स्टैंपिंग बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ये एक सैम्पल लेटर फॉर्मेट आप देख रहे हैं। इस तरह का आपसे एक रिक्वेस्ट लेटर आता है, इस रिक्वेस्ट लेटर के रेफरेंस पर आप अपना पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी में सबमिट करते हैं। अब दोस्तों, यदि आप इंडिया में हैं और आपके पास में पासपोर्ट सबमिशन लेटर आया है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा VFS ग्लोबल की साइट पर जाकर के ये पासपोर्ट सबमिशन का वेब फॉर्म भरना होता है। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो तीन मोड में डाली जा सकती है। इसके अंदर तीन मोड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है टू वे कुरियर सर्विस, एक होता है वन वे कुरियर सर्विस, और एक होता है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर VFS के अंदर में आपका कलेक्शन एंड ड्रॉप। दोस्तों, होता क्या है, टू वे कुरियर सर्विस में जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं या रिक्वेस्ट बुक करते हैं इस प्लेटफॉर्म में, तो इसमें ब्लू डार्ट कुरियर वाला आपके घर पर आएगा, आप एक पैकेज बनाएंगे और इस पैकेज में अपना पासपोर्ट, अपना रिक्वेस्ट लेटर और कंसेंट फॉर्म, ये तीन चीज़ें आप पैक कर देंगे। ब्लू डार्ट ऑफिस वाला इसे लेके जाएगा और सीधा पहुंचाएगा कैनेडियन एम्बेसी, जो भी आपके असाइंड कैनेडियन एम्बेसी है वहां पहुंचाएगा। वहां से जब आपकी स्टैंपिंग हो जाएगी तो दोबारा ये सीधा आपके घर पे आता है। अब इन केस आपने वन वे कुरियर सर्विस लिया है तो उसमें आप ये एनवेलप ड्रॉप करते हो VFS का नियरेस्ट सेंटर में, VFS का सेंटर उसे कैनेडियन एम्बेसी में भेजता है, कैनेडियन एम्बेसी से रिटर्न वो सीधा आपके घर में आता है। ये होगी वन वे कुरियर सर्विस। अब यदि आप बात करते हैं VFS सेंटर वाली सर्विस में, तो इसमें सिंपली क्या होता है, हम ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है ये VFS ग्लोबल के ऑफिस में देते हैं, और जब हमारा पासपोर्ट स्टैंप होकर एम्बेसी से VFS ग्लोबल में आता है तो हम वहीं जाकर के इसे कलेक्ट करते हैं। सो ये तीन तरीके के मोड में इस एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है। इन तीनों से एसोसिएटेड डिफरेंट डिफरेंट फीस होती है, जिसके बारे में आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। आज के तारीख में मैं अपना जो केस मैंने कैसे प्रोसेस किया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, ये वेब फॉर्म साइन किया था, फिल किया था, और मैंने जो है वन वे कुरियर सर्विस ली थी, यानी कि सबमिशन तो मैंने VFS के ऑफिस में किया था और रिटर्न जो है स्टैम्प्ड पासपोर्ट अपने घर पे वाया कुरियर मंगवाया था। और जैसे ही आप इस वेब फॉर्म पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, सबमिट करने का क्या प्रोसीजर है उसका क्लिप मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने वेब फॉर्म को ओपन किया, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने बायोमेट्रिक के टाइम में दिया है वो डालना होगा, या आप कोई नया नंबर भी डाल सकते हैं। फिर आपको वेरिफिकेशन कोड एंटर करना होगा। अब आप क्लिक करेंगे एंटर वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे जैसे ही आ जाता है आप उसे फिर सबमिट कर दीजिए, और इसी के साथ आपको मिल जाता है पोर्टल का एक्सेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको टाइप ऑफ सर्विस सेलेक्ट करनी होगी, टू टाइप, वन वे, या आपको जो है अपॉइंटमेंट सेंटर में जाके। तो मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट सेंटर वन वे सर्विस लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल ले ली, आपने कौन से कैटेगरी में सबमिट करना है, कौन से सेंटर में सबमिट करना है, कितने एप्लीकेंट्स हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको अपना जो पासपोर्ट सबमिशन लेटर है उसे यहाँ पे अपलोड करना होगा वन बाय वन एप्लीकेंट के हिसाब से। जैसे ही आप कोई लेटर को अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड सारा डाटा इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सो वन बाय वन सारे एप्लीकेंट्स के लिए आपको लेटर को अपलोड करना होगा, और उसके बाद जब आप इसे सबमिट करेंगे, ठीक वेब फॉर्म सबमिट होने के कुछ ही देर बाद आपके पास में पेमेंट का लिंक आ जाएगा, यदि आपने टू वे सर्विस लिया है तो,
और अदर या यदि आपने वन वे या फिर अपॉइंटमेंट रिलेटेड सर्विस लिया है तो उस केस में आपके पास में अपॉइंटमेंट का शेड्यूल बन के आ जाता है। तो अब हमने जाना हम किस तरीके की सर्विस बुक कर सकते हैं, कैसे वेब फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही हम वेब फॉर्म सबमिट करते हैं ठीक उसके लगभग 1 से 2 घंटे में हमारे पास में अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन आ जाता है। दोस्तों याद रखिए, अगर हमने अपॉइंटमेंट बुक किया है तो हमारे पास में आएगा अपॉइंटमेंट का कन्फर्मेशन जिसमें टाइमिंग और डेट लिखी होगी। यदि हमने टू वे कुरियर सर्विस बुक की है तो हमारे पास कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस आएगा। यदि एसोसिएटेड पेमेंट करना है तो वो हमें पेमेंट करना होगा। अदर और अगर हमने पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है तो आपका जो कुरियर असाइन होगा वो 1 से 2 दिन में उसका कुरियर का ईमेल आएगा कि कुरियर वाला अब आपके घर पे पिकअप करने आने वाला है, आपको पार्सल रेडी रखना है या पैकेज रेडी रखना है। मैं फिलहाल मेरे केस को रिगार्डिंग बात करता हूँ जिसमें मेरे पास अपॉइंटमेंट की कन्फर्मेशन आई। कन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट की कुछ इस तरह से आती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक आपको पास मेल आता है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन का, जहाँ पे आपको डेट और टाइम लिखा होता है। ठीक इसी समय आपको VFS ग्लोबल में जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता है। जब भी आप अपना विजिट प्लान करें आपको कुछ इन डॉक्यूमेंट्स के सेट तैयार करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पासपोर्ट, दूसरा आता है पासपोर्ट सबमिशन लेटर, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर जिसे हम बोलते हैं, तीसरा है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन ईमेल, जो अभी मैंने आपको ईमेल दिखाया उसका एक प्रिंट लेना होता है, चौथा है कंसेंट फॉर्म। दोस्तों आइडियली कंसेंट फॉर्म जो है वो बायोमेट्रिक के समय आपसे मांग लिया जाता है, फिर भी यदि आपसे उस वक्त नहीं लिया गया है तो आप इसकी एक कॉपी पासपोर्ट सबमिशन के दौरान जरूर अपने पास तैयार रखें। और कंसेंट फॉर्म के अंदर में किस तरह से फिल करना है इसका एक अलग से वीडियो बना के यहाँ पे मैं पॉपअप में डाल दूंगा कि उसमें क्या क्या कॉलम्स आपको भरने हैं, किस किस कंडीशंस में या कौन कौन से सिनेरियो में। सो हमने हमारे प्रिपेयर के लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम हमारी विजिट करते हैं और पासपोर्ट को सबमिट करते हैं। सो ये टोटली इन 4 स्टेप में हमारा काम पूरा होता है। अब हम बात करते हैं VFS में हमारे पासपोर्ट सबमिशन से रिलेटेड फ़ी स्ट्रक्चर की। दोस्तों नॉर्मली जब भी आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं उसी समय VFS वाले सबसे पहले आपको लालायित करते हैं प्रीमियम लॉन्च सर्विस के लिए। मैं भी उनके ट्रैप में फंसा, मैंने भी प्रीमियम लॉन्च सर्विस ले ली। प्रीमियम लॉन्च सर्विस कितनी बेनिफिशियल है क्या है ये मैंने बायोमेट्रिक वाले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, सो मैं ऑलरेडी ले चुका था। अब यहाँ पे एक सिनेरियो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मेरे केस में प्राइमरी 1 और सेकेंडरी 2, यानी कि मैं खुद प्राइमरी एप्लीकेंट था अभिषेक, मेरी वाइफ सेकेंडरी एप्लीकेंट थी और मेरी डॉटर वो भी सेकेंडरी एप्लीकेंट में थी। मगर जो बायोमेट्रिक लेटर आए थे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी फर्स्ट 2 एप्लीकेंट्स के आए थे, 3rd एप्लीकेंट का बायोमेट्रिक लेटर नहीं आया था क्योंकि वो किड्स कैटेगरी में आती है। तो उस केस में क्या होता है, जब आप पासपोर्ट सबमिट करने जाते हैं तो VFS के पास आप दोनों का डाटा तो पहले ही सही होगा, पर आपका डॉटर का फर्स्ट टाइम वो फाइलिंग प्रोसेस कर रहे होंगे, तो ऐसे में वो आपको कुछ चार्ज करते हैं। वो चार्जेस क्या होते हैं अधिकांश लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ईमेल में क्लियरली लिखा होता है कि आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है VFS ग्लोबल की साइट वहाँ पर जा करके। बट यहाँ पर डॉटर के केस में मुझे चार्जेस के पे करने पड़े तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था। इसी कन्फ्यूज़न को मैं यहाँ पर दूर करता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ इनवॉइस की तरफ। सो यहाँ पर आप इनवॉइस देखिए, मैंने मेरी बेबी का जब वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट किया था तो मुझे पैकेज ट्रांसमिशन फ़ी के नाम पे 544 रुपीज़ पे करने पड़े थे, 544 प्लस GST। दोस्तों ये आपको पे करने होते हैं। कुरियर चार्जेस और SMS फ़ी के ऊपर जो 2 कॉलम है ये मैंने एड ऑन पे किए थे, क्योंकि कुरियर जो है वो मैंने सर्विस 1 वे कुरियर सर्विस अवेल करी थी, सो उसका पेमेंट है। SMS फ़ी मैंने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन ले लिया था उसका फ़ी है, बट पैकेज ट्रांसमिशन फ़ी आपको मैंडेटरीली पे करना होता है अपने किड्स के केस में। हाँ, जब आप पैकेज ट्रांसमिशन फ़ी ही ओनली पे करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका जो वीज़ा है जो पासपोर्ट है वो स्टैम्प होने के बाद दोबारा इन्हीं के ऑफिस में आएगा और वहाँ से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। अब यदि आपको अपने घर पे चाहिए तो फिर यहाँ पे ये एड ऑन फ़ी आपको दिख रही है जो मैंने पे करी 1 वे फ़ी के केस में। यदि आप 2 वे सर्विस लेना चाहते हैं तो 2 वे सर्विस में आपको 2 वे का कुरियर चार्ज, एडिशनली ये एक पैकेज ट्रांसमिशन फ़ी भी उनको देनी पड़ती है। सो ये टोटल इस तरह से फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है। सो दोस्तों अब आता है कि जब आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर लेते हैं उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही आप अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे उसके कुछ ही देर में आपके पास में एक ट्रैकिंग आईडी का ईमेल आ जाएगा VFS ग्लोबल की तरफ से। सो यहाँ पर ये मेरे पास में, मैंने जब सबमिट किया था वो सबमिट किया था 29 अप्रैल को। सो ठीक 15 से 20 मिनट में, जैसे आपने देखा होगा 9:35 का मेरा अपॉइंटमेंट था और 10:05 में मेरे पास में ये ट्रैकिंग आईडी का मेल आ चुका है। ये यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, यानी कि अब मैं Day 1 की स्टेटस में हूँ। Day 1 में मेरे पास में मेरा ट्रैकिंग आ चुका है मेरी फाइल का, जो मैंने पासपोर्ट सबमिट किया उसका। आगे बढ़ते हैं और ठीक उसी दिन यानी कि 29 अप्रैल को ही शाम को 5:30 बजे के आसपास मेरे पास एक अपडेट आता है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो डिस्पैच हो चुका है IRCC ऑफिस को
और ये जाएगा थ्रू कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद वालों ने जो है IRCC ऑफिस के लिए मेरा पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया है। ये उसी दिन शाम को, यानी अभी भी जो स्टेटस है वो डे वन की ही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप अपडेट देखेंगे अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल, अब आ चुका है डे टू में अर्ली मॉर्निंग मेरे पास अपडेट आती है कि मेरा जो पासपोर्ट है वो कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली पहुंच चुका है। अब कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से या कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दिल्ली पहुंचा है, यहां तक की अपडेट आती है। उसके अगले दिन यानी कि 1 मई को लगभग दिन को 12 बजे मेरे पास एक और मेल आया जिसमें मुझे बताया गया कि मेरा जो पासपोर्ट है वो IRCC ऑफिस में पहुँच चुका है। सो पहले मेरा वीज़ा एप्लीकेशन अहमदाबाद से दिल्ली में गया, दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से IRCC में पहुंचा, और इस पूरी जर्नी में मेरी एप्लीकेशन को 3 दिन हो चुके थे फ्रॉम द डे ऑफ सबमिशन, जिसे भी मैंने काउंट किया है। अब यहां से जो है एक लंबी जर्नी की शुरुआत होती है, आपको लंबा वेट करना पड़ता है। और ये एक मैंने स्क्रीनशॉट डाला है कि आप VFS की ऑफिशियल साइट पर भी अपना ट्रैकिंग ID और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हो। मैंने भी यहां पर चेक किया तो नीचे देख रहे हैं आपको स्टेटस अपडेट दिखा रहा है। उसके बाद ठीक 14 मई को यानी कि लगभग 16वें दिन डे 16th, यहाँ पर मेरे पास एक गुड न्यूज़ आई, एक अच्छा अपडेट आया, और जिसमें लिखा गया था कि मेरा जो डिसीजन एनवलप है वो न्यू दिल्ली IRCC ऑफिस से डिस्पैच हो चुका है और वो गया है कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली को। और उसी दिन ठीक 2:17 पर मेरे पास आता है, डिसीजन एनवलप फॉर योर एप्लीकेशन ट्रैकिंग आई डी हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम IRCC ऑफिस ऑन 14th May एंड विल बी डिस्पैच टू कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वेयर यू हैव अप्लाइड। यानी कि ये जो मेरा दिल्ली से अब मेरा जो कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर था वहाँ पर ये डिस्पैच कर दिया जाएगा, या फिर और द कुरियर एड्रेस प्रोवाइडेड बाई यू, यानी कि अगर मैंने वन वे कुरियर सर्विस ली है तो उस कुरियर सर्विस के में जो एड्रेस दिया है वहाँ पर ये मेरा डिसीजन एनवलप जो है वो डिस्पैच कर दिया जाएगा। ये अपडेट आई थी मेरे पास 14 मई पे दिन को 2:30 के आसपास, 2:15 के आसपास का है, यानी कि अभी मेरा डे 16 चल रहा है। डे 16 के बाद में उसी दिन डे 16 में ही मेरे पास एक और अपडेट आया जिसमें कहा कि डिसीजन एनवलप फॉर एप्लीकेशन हैज़ बीन कुरियर्ड फ्रॉम कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली वाया कुरियर पार्टनर। अब यहाँ पर चूंकि मैंने वन वे कुरियर सर्विस लिया था तो ये मेरे घर के एड्रेस पे इन लोगों ने शिप कर दिया था। सो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं डे 16 की मेरी जर्नी है। सो 16 दिन में मेरे पासपोर्ट की स्टैंपिंग जो है कंप्लीट हो चुकी थी, 17वें दिन मुझे वो मेरा पासपोर्ट मिल चुका था। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और आती है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस तरह से प्रोसेस में हमारे पास क्या ट्रैकिंग आईडी वगैरह आती है कि जब डिस्पैच करते हैं, तो यहाँ पे अभी जो मैंने हाईलाइट किया है ये दरअसल हमारी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, और इसी रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप ब्लू डार्ट की साइट पर अपने पासपोर्ट के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपके पास IRCC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल एयरवे बिल नंबर नहीं मिलता है, ये लोग जो रेफरेंस नंबर देते हैं उनका ही ब्लू डार्ट पे टाइप है और वही रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में उनकी साइट पे आपके पासपोर्ट का स्टेटस अपडेट हो जाता है। अब मेरी एप्लीकेशन का एग्जांपल देते हुए आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करते हुए ब्लू डार्ट की साइट पे अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास में जो अपडेट्स के ईमेल आ रहे थे उसी में से जो ट्रैकिंग आईडी या जो रेफरेंस नंबर है उसे मैंने कॉपी कर लिया है, और अब हम चलते हैं ब्लू डार्ट की साइट पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्लू डार्ट की वेबसाइट ओपन कर दी है, और इस वेबसाइट पे आपको रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है, ना कि एयरवे बिल नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है। सो मैंने रेफरेंस नंबर पे क्लिक किया और यहाँ पर मेरा अपना जो रेफरेंस नंबर था फाइल का वो डाल दिया। उसके बाद जब मैं गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पासपोर्ट का जो मूवमेंट है उसका अपडेट मेरे पास में आया। सो इस तरीके से आप अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ पहुँचा, क्या स्टेटस है। आपके पास एयरवे बिल नंबर नहीं आता है तो आपको सिंपली रेफरेंस नंबर को इस्तेमाल करते हुए ब्लू डार्ट की साइट पे आप अपनी फाइल को ट्रैक कर सकते हैं। सो ये एक पूरा मेथड मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, ये पूरा एंड टू एंड प्रोसीजर है, कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, कैसे पासपोर्ट सबमिट करना है, और किस तरह से आखिर में आपको पासपोर्ट डिलीवर होता है। सो ये पूरी एक एक्साइटिंग जर्नी है जिसे मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। सो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।